नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बुलंदशहर के थाना क्षेत्र डिवाई पुलिस चौकी दौलतपुर में एक मजदूर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। अपने घर में चारपाट पर सो रहा था मजदूर, सफेद गाड़ी में बदमाश ने इस घटना को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देर रात घटित इस घटना की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पीड़ित परिवार का रो रोकर बुरा हाल है। परिवार ने पुष्टि की है कि उनकी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है। कोई जानकारी मिली, कोई दुश्मनी किसी से? हमारी काम से तो समझी ना आई रे। गोली मार गए। क्या घटना हुई पूरी बोलो, बताओ। तुम बता बता चलो। गोली मार गए, वह मैंने देखी जाए। भैया ने बात दी के भैया, मैं तुरंत कहा भैया ने जो रहे मेरे भाई। हम तो वहाँ पर सो रहे थे अपनी चारपाई पे, तो हमें एकदम आवाज मालूम पड़ी। जब आवाज मालूम पड़ी हमें, तो इसके भाई ने मुझे आवाज दी है यहाँ पे आके कि चाचा भैया को मार गए। तो मैं तुरंत वहाँ से भागा हूँ। इतने में गाड़ी यहाँ से चक्कर फुचक्कर हो गई है। हमें गाड़ी नहीं देखी है, गाड़ी कैसी थी, किस कलर में थी, मैंने गाड़ी नहीं देखी। बस्ती जिले में भानपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत अजगेवा जंगल में करीब 1400 बीघा जमीन का गलत तरीके से पट्टा कराने का मामला सामने आया। प्रधान ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर पट्टाधारकों के खिलाफ प्रस्तावित पारित कर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। हालांकि तहसील प्रशासन मामले को दबाने पर तुला है। प्रधान सहित ग्रामीणों ने कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस प्रकरण में तहसील से रिपोर्ट मंगाई गई है और ये प्रकरण पूर्व में जो है इसमें एक FIR भी पंजीकृत है और उसमें आगे नियमानुसार जो पट्टा निरस्तीकरण की कार्रवाई होती है कोर्ट के अधीन वो करी जाएगी। हमने शिकायत ये किया कि लगभग में 40 वर्ष पहले हमारे यहाँ से चकबंदी नहीं हो पाई है। चकबंदी के लिए लोगों को तमाम परेशानियाँ हो रही हैं और ये भी शिकायत की है जो हमारे यहाँ लगभग में 1400 बीघा फर्जी तरीके से लोग पट्टा करा लिए हैं। उसके लिए भी हमने शिकायत DM साहब को दिया है, SDM साहब को भी दिया है, मुख्यमंत्री जी को दिया है, शासन को भी भेजा है कि हमारे जमीन को खाली करवा करके गरीबों को दिया जाए। दबंग लोग 10-10 बीघा 15-15 बीघा अपने नाम से पट्टा करवा दिए फर्जी तरीके से और लोगों को बहुत आने जाने में परेशानियां हो रही हैं। ना सड़कें हैं, ना कोई विद्यालय है ठीक ढंग से, ना हमारे यहाँ अस्पताल है। इसी कारण से हम ये सोच रहे हैं कि खारिज कर पट्टे को खारिज करके उसको गरीबों में थोड़ा थोड़ा बांट दिया जाए। हमारे यहाँ चकबंदी सन 1962 में हुई थी, तब से चकबंदी नहीं हुई और किसान परेशान है। उस गांव में अनिश्चित रूप से 1400 बीघा पट्टा हो गया है और उस पट्टे को खारिज कराने के लिए ग्राम सभा की तरफ से प्रयास किया जा रहा है और हम चाहते हैं कि पट्टा हो जाए और इस गांव सभा की हर हाल में चकबंदी करा दी जाए। बस्ती में एक ऐसे मामले का खुलासा हुआ है जिसकी कल्पना करना भी बेमानी होगी, मगर अधिकारी ने सारी परिकल्पनाओं को पार करते हुए गरीब के इलाज के लिए आए बजट में घुसपैठ कर खुद इसका लाभ ले लिया। सुनने में थोड़ा सा अजीब है मगर है सोने सच। जिला अस्पताल में आने वाले गरीब मरीजों के इलाज के लिए 5 लाख का विशेष बजट का प्राविधान है। इस बजट का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई भी गरीब मरीज जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होता है और उसे ऐसी दवाओं की जरूरत होती है जो जिला अस्पताल में उपलब्ध नहीं होती। ऐसी स्थिति में जिला अस्पताल लगातार मनमानी करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, LP की दवाओं का जो लोकल परचेज है ये उन मरीजों के लिए है जो बेहद गरीब हैं, परचेज नहीं कर सकते हैं, उनके लिए है। पहले 2 साल पहले जो है CMO के यहाँ बजट आता था, पर वो बंद हो गया है। हाँ, ये जिला अस्पताल में अलबत्ते अभी है, जो वहाँ से कुछ ऐसे चिन्हित मरीज हो जो वाकई में गरीब हैं, बेहद गरीब है, उनको आवश्यकता है, तो उसका लोकल परचेज का प्रोविजन है। नहीं, ये मेरे नॉलेज में नहीं है।
हमने जिला अस्पताल बस्ती में 2019-20-21 में स्थानीय क्रय द्वारा दवाएं क्रय करने के बारे में सूचनाएं मांगा था, जिसमें लाभार्थियों का नाम, पता, कौन सी दवाएं कितनी मात्रा में किस मरीज को दी गई और उनके मूल्य क्या हैं। तो जिला चिकित्सालय द्वारा 266 पेज की हमको सूचना दी गई है, जिसमें लाभार्थियों का नाम, पता है, और 2019-20 में भी लगभग 5 लाख की दवाएं एलपी की गई, 20-21 में भी 5 लाख की दवाएं एलपी की गई हैं। इसमें क्या कुछ आपने देखा? जो इसमें प्रशासनिक अधिकारी और न्यायिक अधिकारी, कुछ राजनेता, जिला अस्पताल के SIC, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, ज्वाइंट डेवलपमेंट कमिश्नर, इन लोगों की को दवाएं एलपी हुई हैं। देवरिया के गौरी बाजार ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा बागपर में स्थित सरकारी विद्यालय कॉन्वेंट स्कूल को मात दे रहा है। यहाँ के प्रधानाध्यापक मार्कंडेय प्रसाद और प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक मुरलीधर यादव विद्यालय में साफ सफाई के साथ साथ बच्चों के पठन पाठन पर विशेष ध्यान देते हैं। उनका मानना है कि जो विद्यालय में साफ सफाई रहेगी तभी बच्चे पढ़ाई पर ध्यान देंगे। उन्होंने कहा कि मैं और मेरा पूरा स्टाफ बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ होमवर्क पर ध्यान देते हैं और बच्चों के पेरेंट्स से लगातार संपर्क में बने रहते हैं और बच्चों के हर एक्टिविटी पर नजर भी रहती है। विद्यालय में मैं और मेरा समस्त स्टाफ, समस्त शिक्षक और शिक्षिकाएं लर्निंग मटेरियल गतिविधियों के माध्यम से और इस तरह शिक्षा दी जाती है कि अगल बगल तमाम कॉन्वेंट विद्यालय होने के बावजूद मेरा विद्यालय में नामांकन ज़्यादा होता है और बच्चे अच्छी सफलता हासिल करते हैं। कितने बच्चों का नामांकन है हमारे विद्यालय में? 95 बच्चे हैं। विद्यालय के सभी स्टाफ मिल के बच्चों को कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी शिक्षा हम लोग दे सकें और गतिविधि के माध्यम से, सहायक शिक्षण सामग्री के माध्यम से और नवाचार के माध्यम से, मतलब आज के परिवेशी जो परिस्थितियां बदल गई के हिसाब से हम लोग अपने विद्यालय में शिक्षण कार्य करते हैं। यूपी के फतेहपुर जिला पहुंचे योगी सरकार के पशु धन, दुग्ध विकास, राजनीतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज तथा नागरिक सुरक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री ने विकास भवन के अधिकारियों के साथ बैठक के पहले मीडिया को बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारतीय परंपरा और सभ्यता में गौ माता है और गाय का दूध नहीं द्रव्य है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। गाय के गौमूत्र में गंगा मैया रहती है। कहीं वास्तु दोष हो या कोई और कठिनाई हो, गाय का गौमूत्र छिड़कने से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मदरसे की शिक्षा राष्ट्रीयता से जुड़ी है, इसलिए मदरसों में उर्दू, फारसी, अरबी पढ़ाएं, लेकिन इसके साथ ही हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय पढ़ाए जाए और तकनीकी शिक्षा से जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ प्रत्येक मदरसों में राष्ट्रगान आवश्यक रूप से लागू किया गया है। प्रत्येक मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य है। गोरखपुर में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए गौरी को पुलिस ने अब एक अनोखा अभियान चलाया है। जैसे कि पहले वाहनों की चेकिंग के दौरान चौपहिया वाहनों पर काली फिल्म लगी हुई देखकर उन्हें संदिग्ध मानकर रोक लिया जाता था, उनकी जांच पड़ताल की जाती थी, लेकिन अब काली फिल्म चारपहिया वाहनों पर ना लग सके, उसी को ध्यान में रखते हुए SPCT विष्णु कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में नगर निगम परिवर्तन दल की टीम के साथ चौपहिया वाहनों पर काली फिल्म लगाने वाले दुकानों पर छापेमारी की गई और जिन दुकानों पर काली फिल्म मिली उनके काली फिल्म को जब्त करते हुए चालान भी किए गए। यही नहीं, उन्हें हिदायत दी गई है कि आगे से अगर दोबारा ऐसा किया गया तो चालान के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मई के महीने में गर्मी अपने चरम पर है और तापमान भी अपने चरम पर है, लेकिन रोजमर्रा के कार्य के लिए दूरदराज ग्रामीण अंचल से आने वाले लोगों को अपने कार्यों के लिए अपने घरों से बाहर निकलना ही पड़ रहा है। और हम CSCT की बात करें तो नगर निगम की तरफ से गोरखपुर जनपद के सभी चौक चौराहों पर निःशुल्क पियाव की व्यवस्था कराई जाती है, जिसे दूर दराज से शहर में आने वाले जनता नगर निगम द्वारा लगाए गए निःशुल्क और सरकारी हैंडपंप के भरोसे ही रहती है, जिससे जनता को शुद्ध पेयजल मिल सके और उनकी प्यास बुझ सके। लेकिन मई महीने में इस चिलचिलाती धूप में लोग अपनी रोजमर्रा के कार्यों के लिए दूरदराज ग्रामीण इलाकों से शहर में आ तो रहे हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा कहीं भी किसी चौक चौराहे या सार्वजनिक स्थलों पर निःशुल्क पियाव की व्यवस्था नहीं की गई। वहीं जब न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम ने पियाव की व्यवस्था के बारे में नगर आयुक्त अविनाश सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि हम सभी आम जनमानस को शुद्ध और स्वच्छ पानी पिलाएं, इसलिए कई जगहों पर ATM पियाव की व्यवस्था की गई है, जिससे लोग शुद्ध स्वच्छ जल पी सके। ये
देखिए नगर निगम की जो जलकल शाखा है वो प्याऊ की व्यवस्था प्रत्येक गर्मी के मौसम में करती रही है और इस वक्त भी कर रही है। कुछ जगहों पे निश्चित रूप से शिकायत आ रही है कि जहाँ पे पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है, इसको हम लोग दिखवा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में कहीं किसी को, किसी भी राहगीर को या किसी भी नागरिक को पीने के पानी की कोई समस्या ना हो। प्रचंड धूप में जनता त्राहि त्राहि कर रही है और यहाँ पे कहीं कोई प्याऊ की व्यवस्था नहीं की गई है। नगर निगम पूरी तरह निरंकुश है और इससे पहले तमाम गर्मियों में हर वर्ष प्याऊ लगाए जाते थे हर चौराहों पे, जिसे आसपास के गांव के लोग आते थे, अपनी प्याज बुझाते थे और राहत की सांस लेते थे। देखिए स्मार्ट सिटी बनाने से नहीं कुछ होगा, स्मार्ट सिटी बन भी जाए तो क्या, इतनी तूफानी प्रचंड गर्मी यहाँ हर साल व्यवस्था होती थी। कुशीनगर पुलिस ने अंतरजनपदीय वाहन चोर गैंग का खुलासा किया है। चोरी के 8 मोटरसाइकिल, 7 एंड्रॉइड फोन के साथ 8 वाहन चोर भी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार सभी अभियुक्त देवरिया जिले के बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त मोटरसाइकिल की चोरी कर पड़ोसी जनपदों में बेच दिया करते थे। हाटा कोतवाली पुलिस ने खुलासा किया है। जनपद कुशीनगर क्षेत्र के अंतर्गत हाटा पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतरजनपदीय वाहन चोर गैंग का गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस क्रम में 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से 8 मोटरसाइकिलों की बरामदगी की है। ये मोटरसाइकिल ये आसपास के जनपदों से चुराया करते थे और उसे विभिन्न जगहों पर बेचने का कार्य किया करते थे। ये सारे जो अभियुक्त हैं ये मुर्दा देवरिया जिले के निवासी हैं। इस क्रम में ये किनको वाहनों को बेचने की प्रक्रिया में थे, इन सारी चीज़ों की तफ्तीश पुलिस के द्वारा की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर क्या लग रहा है आपराधिक इतिहास क्या रहा है इसके पहले? ये कुछ आपराधिक इतिहास कुछ गोरखपुर में भी है जिसकी तलाश की जा रही है। कुशीनगर के पडौना स्थित उदित नारायण पीजी कॉलेज में कौशल विकास एवं उद्यमिता प्रकोष्ठा द्वारा महाविद्यालय के प्रबंधक आरपीएन सिंह के संरक्षण में 320 छात्राओं के द्वारा 16 ग्रुप बनाकर एक दिवसीय हस्तकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्रों ने विभिन्न प्रकार की पेंटिंग, विभिन्न प्रकार की चादर, खिलौने, ग्रामीण परिधान, विभिन्न प्रकार के सजावटी सामान, विभिन्न प्रकार के चित्रकारी और सुंदर आकर्षक परंपरागत एवं आधुनिक रंगोलियाँ बनाकर अपने कौशल का प्रदर्शन किया। मऊ सड़क हादसे में अधिवक्ता के मौत का मामला है। गुरुवार की शाम को बार काउंसिलिंग के पूर्व अध्यक्ष की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम हाउस पर कोई जिम्मेदार अधिकारी ना मौजूद रहने के कारण अधिवक्ता आक्रोशित होते हुए नजर आए। नेशनल हाईवे 39 कलेक्ट्रेट के सामने जमकर प्रदर्शन किया है और जाम कर दिया। घुसी इंस्पेक्टर को बर्खास्त करने की मांग की और तत्कालीन पोस्टमार्टम करने की मांग को लेकर अधिवक्ता लगातार प्रदर्शन करते रहे। दीवानी न्यायालय और कलेक्ट्रेट के सामने 39 पर अधिवक्ताओं का चक्का जाम चल रहा है। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा में देर रात हुई तूफान से तहसील चौबट्टा खाल के अंतर्गत विकासखंड एकेश्वर और पोखरा में भारी नुकसान हुआ। भारी तूफान से तहसील चौबट्टा खाल के पार्किंग में खड़ी तहसीलदार की सरकारी गाड़ी सहित 4 प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर चीड़ के पेड़ गिर गए, जिससे गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कई गाँव में ग्रामीणों के मकानों की छत क्षतिग्रस्त हो गई है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख पोखरा पुष्कर जोशी और भाजपा नेता गौरव जोशी ने सतपाल महाराज कैबिनेट मंत्री स्थानीय लोगों को मुआवजा देने की बात बताई है। गुरुवार रात भारी तूफान से ग्राम मसमोली और पोखरा गांव में 10 से अधिक घर प्रभावित हुए हैं। सहारनपुर के अम्बेटा क्षेत्र के गांव रायती के ग्रामीण सिद्धपीठ श्री शाकंभरी देवी दर्शन करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही वो गांव बेलका माफी से कुछ आगे पहुंचे तो उनके ट्रक का एक्सल टूट गया। इससे ट्रक श्रद्धालु से भरी ट्रॉली सहित सड़क किनारे खाई में पलट गई। हादसे में शुभम, अनूप, सूरज, प्रवीण, प्राची, कविता, ये तमाम नाम है जो घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को उपचार के लिए सीएसबीएच में भर्ती कराया, जहां से तमाम लोगों को इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। संपत्ति मामले बसपा के पूर्व एमएलसी और खनन कारोबारी हाजी इकबाल के बेटे को सहारनपुर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। हाजी इकबाल का बेटा आलिशान दिल्ली में एक बंगले में रहता था। हाँ
हाजिकवाल के गैंग के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एक जनपद सहारनपुर में मेरे द्वारा एक SIT का गठन किया गया था। इसमें हाजिकवाल और उसके गैंग के विरुद्ध कई मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें से एक मुकदमा है थाना बिहट पर वाहिद एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से 80 बीघा का ज़मीन का फर्जीवाड़े के तहत आवंटन का मामला है। इसके अलावा विक्टिम्स जो पीड़ित लोग हैं जिन्होंने पूर्व में हाजिकवाल के विरुद्ध और उनके गैंग के विरुद्ध मुकदमे लिखाए हुए हैं, उनको धमकाने के प्रकरण हैं, गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा लिखा गया है। तो इन सभी में हाजिकवाल के बेटे अलीशान, जो कि हाजिकवाल के गैंग का सक्रिय सदस्य है और फर्जीवाड़े वाले मुकदमे में भी शामिल था लैंड के फर्जीवाड़े में, और इसके अतिरिक्त जिन जिन लोगों ने हाजिकवाल और उनके लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखाए हुए थे, वादी पीड़ित लोगों को भी धमकाने के 2-3 सामने थे जिसमें पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।